हेलो नमस्कार दोस्तों, 7 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देशों के साथ जो रिलेशन है उनके बारे में। तो इसमें मेनली इंडिया के जो पड़ोसी देशों के साथ सार्क का जो ग्रुप है उसको डिस्कस किया गया, और कि भाई चाइना की किस तरीके से प्रेजेंस है वो बढ़ रही है और इंडिया किस तरीके से अपनी एक्शन है वो ले रहा है, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, आर्टिकल में ये बात डिस्कस की गई है कि भाई जब भारत में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी साहब 2014 में, तो उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसको आगे लेके जाया जाएगा। और उस टाइम पे जब उन्होंने शपथ ली तो सारे कंट्रीज के जो मेंबर थे वो आए थे उनके मतलब शपथ ग्रहण समारोह में। तो राइटर कह रहे थे उस टाइम पे तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा और काफ़ी अच्छा डिसीजन था। बट हुआ क्या, आज का जो सीन देखा जाए तो आज का सीनरियो कुछ काफ़ी अलग हो गया है। आज है वो भारत है वो एक्चुअली सार्क से काफ़ी दूर हो गया, और इवन देखा जाए तो अपने पड़ोसियों से काफ़ी दूर होता जा रहा है। चाहे आप बात श्रीलंका की ले लो, चाहे आप बात नेपाल की ले लो, चाहे आप बात बांग्लादेश की ले सकते हो, चाइना की ले सकते हो, इवन मालदीव की ले सकते हो, और पाकिस्तान की किसी भी कंट्री की बात ले सकते हो। आज इंडिया है वो अपने पड़ोसियों से दूर होते जा रहा है, इवन जो दूर की कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन इंप्रूव है वो कर रहा है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है कि पड़ोसियों के साथ इंडिया के रिलेशन वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान होने वाला है। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल रिसेंटली दिया गया कि जैसे बात ऐसी है कि भी मालदीप में भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं, कॉन्फ्यूजन, उस टाइम पे एक्चुअली मिलन एक्सरसाइज जब वो स्टार्ट की जा रही थी इंडिया के द्वारा, और उस एक्सरसाइज में मालदीप ने मना कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मतलब साफ साफ बात यह है कि भाई इंडिया के इंटरेस्ट हैं वो अच्छे ढंग से सर्व नहीं हो पाने वाले, उससे इंडिया को नुकसान होने वाला है। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि भाई इंडिया के जो रिलेशन वो पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया भाई जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री जो भी रिसेंटली नए प्रधानमंत्री बने हैं ओली साहब, उनका निर्णय वो आपको खुद को पता है कि वो तो एक्चुअली चाइना के सपोर्टर हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनकी पॉलिसी चाइना के फेवर में तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि ओली के जो निर्णय है वो 2015 के टाइम पे जब उनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो सत्ता में थे, तब भी उन्होंने उनके डिसीजन थे वो चाइना के फेवर में थे। क्योंकि बात ऐसी है कि उस टाइम पे इंडिया ने एक ब्लॉकेट लगाने की बात आई थी सामने, कि इंडिया ने एक अनऑफिशियल ब्लॉकेट लगाया था जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ, इवन नेपाल को भी इंडिया को काफ़ी खर्चाना भुगतना पड़ा था। इसके बाद में बात आती है पाकिस्तान की, कि देखो पाकिस्तान का सीनियर तो काफ़ी अलग है। पाकिस्तान से तो इंडिया वो क्लोज जा ही नहीं पा रहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर बार बार लड़ाइयाँ होती रहती है, जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा सीज फायर का उल्लंघन है वो होता जा रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं कि श्रीलंका, देखो अभी तो रिसेंटली श्रीलंका में जो सिरीसेना है उनकी सरकार में सिरीसेना है वो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है। बट बात ऐसी है कि सिरीसेना है वो उनकी ज़्यादा अप्रोच ऐसी नहीं है कि वो इंडिया के फेवर में या चाइना के फेवर में, वो अभी तो एटलीस्ट न्यूट्रल वाले कंडीशन में, मतलब सिरीसेना की जो सरकार है वो इंडिया को भी इतना ज़्यादा फेवर नहीं करती है और ना ही इतना ज़्यादा फेवर है वो चाइना को करती है, मतलब ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल कंडीशन पर चल रहे हैं। बट वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सामने ये आती है कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो राज्यपक्ष थे उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली चाइना की काफ़ी क्लोज है, मतलब वो एंटी इंडिया है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अभी वहाँ पे हुए थे लोकल इलेक्शन कुछ टाइम पहले, और लोकल इलेक्शन में राज्यपक्ष हैं वो उनको काफ़ी भारी बहुमत से जीत मिली थी। तो मतलब बात साफ हो रही कि अगर फ्यूचर में उनकी सरकार बनी राज्यपक्ष की तो इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो तो चाइना क्लोज की थ्योरी पर बिलीव करते हैं और एंटी इंडिया है, तो इसलिए इंडिया को नुकसान होगी। लास्ट में राइटर ये बात कर रहे हैं, देखो मालदीप का एग्जाम्पल भी ले सकते हो किस तरीके से मालदीप है वो भी इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो लास्ट में एक राइटर यहाँ पे एक बात उठा रहे हैं कि देखो सभी जगह है वो इंडिया के लिए चुनौतियाँ बनती जा रही हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना उनके अगेंस्ट सारे काम होते जा रहे हैं, और जो रिलेशन थे वो इंप्रूव होने की वजह बिगड़ते और जा रहे हैं। स्टार्टिंग में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई हम पड़ोसियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कोई बात नहीं थी, बट आज देखा जाए तो इंडिया अपने पड़ोसियों से काफ़ी दूर चला जा चुका है, किसी भी पड़ोसी के साथ इंडिया के रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं है। इस चीज़ का बाद में देखो सबसे अच्छा फायदा उठाया वो उठाया चाइना ने। देखो चाइना ने कुछ टाइम पहले चाइना की पॉलिसी ऐसी थी कि हाँ भाई इंडिया के अगर रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ खराब हो रहे थे, जैसे इन एग्जांपल ले लो नेपाल का, अगर इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ खराब हो रहे थे तो उस टाइम पे चाइना ये कहता था कि भाई आप अपने रिलेशन है वो इंडिया के साथ ठीक कर लो, क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हो। बट आज चाइना क्या कर रहा है, आज चाइना अपनी हस्तक्षेप की जो पॉलिसी है उसका फायदा उठा रहा है, मतलब चाइना आज मौका तलाशता है कि किस तरीके से इंडिया के रिलेशन खराब हो किसी कंट्री के साथ और फिर वहाँ पर अपनी हस्तक्षेप बढ़ाया जाए। मतलब क्लियर है कि भाई चाइना है वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और अपने पड़ोसी देशों में अपनी वैल्यू को क्रिएट करता जा रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि नेपाल में भी चाइना की प्रेजेंस वो लगातार बढ़ती जा रही है, मालदीव में के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इवन वहाँ पे मालदीव में भी जो विपक्षी दल और जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट है उनके बीच में एक तरीके से मध्यस्थता का रोल है वो अभी मालदीव ने
चाइना ने निभाया था। श्रीलंका के अंदर भी हमन-दोता पोर्ट का हम देख सकते थे कि चाइना का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तो बात कलनों की है, और बांग्लादेश में भी चाइना की प्रेजेंस वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब वहाँ पे सीपोर्ट वगैरह वो बने जा रहे हैं। अब देखो बात ऐसी है कि चाइना अपनी जो वैल्यू वो लगातार क्रिएट कर रहा है ना, जो मध्यस्थता वो अपनी बढ़ा रहे, तो इसका नुकसान इंडिया को हो रहा है। क्योंकि देखो जो रोल इंडिया को प्ले करना था ना, वो रोल इंडिया यहाँ पे प्ले नहीं कर पा रहा है। देखो इंडिया की जो लोकेशन है वो सार्क के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम मैप में इस चीज को देख लेते हैं। ये है मैंने एक बात, एक सेकंड, हाँ ये आपको पता है मैंने इंडिया की लोकेशन है, और जो पड़ोसी देश है ये रही सार्क यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि इंडिया की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इधर देखा तो इंडिया काफी बीच में आ जाता है, इधर मालदीप आ गया, इधर श्रीलंका आ गया, इधर जो आसियान कंट्रीज वो आ गई, इधर चाइना आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया। तो मतलब इंडिया की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया चाहे तो रिलेशन इंप्रूव कर सकता है। जबकि चाइना तो एक कोने में है, चाइना तो इस साइड एक कोने में, फिर भी चाइना क्या क्या दूर दूर तक अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहा है। मतलब चाइना है वो काफी फायदा उठा रहा है, और इंडिया अपनी लोकेशन का कोई फायदा नहीं उठा रहा है। यहाँ पे राइटर ये पॉइंट सामने रख रहे हैं। देखो फिर लास्ट में एक राइटर के द्वारा एक नया पॉइंट और आता है कि इंडिया है वो अपनी लोकेशन का फायदा भी नहीं उठा रहा है, इवन इंडिया अपनी कल्चर का फायदा भी नहीं उठा रहा है। कल्चर का मतलब ऐसी है, देखो इंडिया का जो कल्चर है वो अपने पड़ोसी देशों में काफी वैल्यूएबल, मतलब काफी उसकी वैल्यू है ज्यादा, तो इंडिया इस चीज का भी फायदा नहीं उठा रहा है। देखो देखा जाए तो इंडिया में भी काफी हिंदू कम्युनिटी वो रहती है, और देखा जाए तो नेपाल में भी काफी हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो उस चीज का भी फायदा इंडिया नहीं उठा रहा है। बात देखा जाए श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, इंडिया में भी बौद्ध धर्म है, वहां भी तमिल है, इंडिया में भी तमिल, तो उस चीज का फायदा भी इंडिया नहीं उठा रहा है। मतलब जो कल्चर रिलेशन है उनको भी इंडिया इंप्रूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा है। लास्ट में एक बात वो आती है, वो आती है हार्ड पावर की, कि देखो हार्ड पावर का यूज है उससे इंडिया को काफी नुकसान हुआ है। मेनली आर्टिकल में 3 पॉइंट वो यही थे कि एक तो इंडिया है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ नहीं चल रहा है, दूसरा पॉइंट ये था कि इंडिया है उसकी जगह चाइना जगह लेता जा रहा है, मतलब चाइना है वो अपने पड़ोसी देशों में अपनी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है, तीसरा पॉइंट ये था कि इंडिया ने कई जगह कोशिश की, वो किसके थ्रू की, हार्ड पावर के थ्रू। हार्ड पावर का मतलब ये कि इंडिया ने जैसे मिलिट्री रूल के थ्रू या फिर उनको कोई इकोनॉमिक एड वगैरह नहीं दी, इस तरीके की जो हार्ड स्ट्रेटजी है वो अपनाई थी, और उसका भी इंडिया को काफी नुकसान हुआ। सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते हो नेपाल का, कि नेपाल में जिस तरीके से ब्लॉकेड लगा था तो उसके साथ जो सीन ये हुआ था कि इंडिया के रिलेशन अच्छे होने के रिलेशन बिगड़ और गए थे, और नेपाल चाइना के काफी क्लोज और चला गया था, तो मतलब काफी कुछ नुकसान हुआ था। और इसी के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री की मालदीप यात्रा थी वो भी कुछ रीजन की वजह से एक तरीके से बाद में निरस्त कर दी गई थी, तो उसका भी इंडिया को नुकसान है वो भुगतना पड़ा था। इसके बाद में देखो राइटर एक चीज सामने सुझाव ये दे रहे हैं कि भाई इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया वो अपनी सॉफ्ट पावर के लिए पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा जाना जाता है, जैसे कि उसकी कल्चरल पावर हुई, या कई बार वो फाइनेंशियल एड है वो देता है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया काफी सारे प्रोजेक्ट चलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ताकि वहां पर इंडिया की वैल्यू बनी रहे और वो इंडिया के इंटरेस्ट को भी सर्व करता रहे। तो इंडिया को अपनी जो सॉफ्ट पावर है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि मिलिट्री वगैरह किसी चीज, हार्ड पावर पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद में बात यह आती है कि जो आपसी सहयोग है, मतलब आपस में जो कंट्रीज है उसके बीच में सहयोग वो रखना होगा, चाइना के साथ भी ऐसी बात नहीं, इंडिया को काफी क्लोजनेस है वो रखनी होगी, अपने रिलेशन है वो इंप्रूव करने होंगे। इसके बाद में 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है, उस पर फोकस किया जाता है। 3 पॉइंट स्ट्रेटजी में क्या गया, 3 पॉइंट स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट ये आता है कि देखो अगर चाइना कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और उससे डेवलपमेंट हो रहा है तो इंडिया को उससे क्लोज जाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इंडिया भी उस प्रोजेक्ट के काफी क्लोज जाएगा तो इंडिया को भी उस चीज से फायदा होने वाला है, और इंडिया भी फ्यूचर में बाकी कंट्री से कनेक्ट हो पाएगा। इसके बाद में बात आती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ होते हैं चाइना के द्वारा, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस कंडीशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी है वो देनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि भूटान का एग्जाम्पल ले लो, कि भूटान के अंदर श्रीलंका ने, सॉरी सॉरी, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि भूटान के अंदर चाइना ने कहा कि भी हम आपके वहां पे एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट है वो बनाएंगे 100 करोड़ रुपए के अंदर, तो इंडिया को और भी अच्छा ऑफर देना चाहिए भूटान को, कि भी हम आपको 10 करोड़ में बना के देंगे, 50 करोड़ में बना के देंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि देखो इंडिया के पास भी ह्यूमन रिसोर्सेज काफी अच्छा है, तो इंडिया को भी अपनी टेक्नोलॉजी है, इंडिया को जो भी अपने सपोर्ट है उसका फायदा उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, बाकी जो कंट्रीज वो इंडिया के पाले में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में एक पॉइंट ये बताता है कि देखो कुछ मामले, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें, जिनसे मतलब कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जिनसे इंडिया को कोई लॉस नहीं है, मतलब इंडिया की कोई सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है, उन मामलों में इंडिया को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि चाइना की दूसरे कंट्री में अपना जैसे कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस मामलों में इंडिया को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ भी कोई बात नहीं, सभी कंट्री अपने इंटरेस्ट देखते हैं, तो कोई इससे हमें क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से इंडिया को 3 पॉइंट स्ट्रेटजी पे फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट आता है जो कंक्लूजन में वो आता है कि आसियान कंट्रीज है उनसे इंडिया को सीखना होगा, आसियान कंट्री से इंडिया को यह सीखना होगा कि देखो आसियान में उसे सबसे बड़ी जो इकोनॉमी देखा जाए लीड देखा जाए वो है इंडोनेशिया, बट इंडोनेशिया क्या करता है अपना मेन जो लीड रोल है वो नहीं निभाता। क्यों नहीं निभाता, क्योंकि वो ये कहता है कि भाई जो छोटी कंट्रीज है ना आसियान की, बाकी 10-9 कंट्रीज, उनको एक्चुअली मौका मिलना चाहिए ताकि वो कंट्रीज भी आगे आए। तो इंडिया को भी ये करना चाहिए कि सार्क में ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी करने का मौका दिलाता रहे, इंडिया को भी अपने जो छोटे देश है, पड़ोसी देश है नेपाल श्रीलंका, इनको आगे लाने का मौका देना चाहिए, ताकि वो कंट्रीज इंडिया के अपने आप फेवर में आएंगी और इंडिया को भी इस चीज से फायदा होने वाला है।
तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल, आप इसके पॉइंट है वो नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मेनली इलेक्शन के बारे में है कि इलेक्शन कमीशन का है, जो हमारे एस ओ कुरेसी है उनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ जो कि GS2 से रिलेटेड हो जाता है, तो इसमें उनके कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, तो एस वाई कुरेशी से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा बजट में, उससे पारदर्शिता आएगी या मतलब पारदर्शिता आएगी या नहीं आएगी, तो ये कह रहे हैं कि कोई पारदर्शिता नहीं आने वाली है, जो बची हुई पारदर्शिता है वो भी जाने वाली है, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी वो सारी खत्म होने वाली है और उससे लॉस ही होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई जो कंपनियों को डोनेशन की बात थी, देखो पहले ये प्रावधान था कि कोई भी कंपनी है वो अपने लास्ट 3 सालों का जो प्रॉफिट है, जैसे कि उसका लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट ये मान लो कि 300 रुपए है, पहले साल का 200 है, दूसरी साल का 200 है, तीसरी साल का ये मान लो कि 50 रुपए, ये मतलब कुछ भी मान लो कि टोटल प्रॉफिट उसका 300 रुपए है, तो उसका एवरेज कितना हुआ, एवरेज जो मतलब हर साल उसको 100-100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी लिमिट थी कि कोई भी कंपनी है वो अपने 3 साल का जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसका एवरेज निकाल के और उसका 7.5% है वही केवल डोनेशन के फॉर्म में दे सकती है इनको, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं सॉरी जो पोलिटिकल पार्टी है इनको फंडिंग के तौर पर। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, अभी गवर्नमेंट ने लगाम लगा गवर्नमेंट ने लिमिट हटा दी है कि भाई जो भी कॉर्पोरेट वो अपनी मनमर्जी से कितना भी फंडिंग है वो दे सकते हैं, तो देखो इसका नुकसान ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां ना कंपनियों को बोलेंगी कि भाई आप हमें ज्यादा फंडिंग दो, अगर नहीं दोगे तो हम आपके फेवर में पॉलिसी वगैरह नहीं बनाएंगे, तो इससे क्या होगा जो कंपनी है उनका हरासमेंट होना शुरू हो जाएगा और उनको नुकसान होने वाला, तो ये काफी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि देखो अगर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब बड़े जो ग्रुप्स हैं वही गवर्नमेंट को लोन देंगे, मतलब वही कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को लोन देंगे एक तरीके से फंडिंग देंगे सॉरी, तो उससे नुकसान ये हो जाएगा कि जो छोटे जो मतलब जो गरीब लोग हैं वो एक्चुअली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब बाद में होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो केवल और केवल बड़े बड़े जो अमीर ग्रुप्स हैं इनके साथ ही कनेक्ट हो जाएंगी, तो बाकी सोसाइटी तो अलग हो जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, तो इससे समाज में असमानता है जो अनइक्वलिटी वो और बढ़ेगी। इसके बाद ये सॉल्यूशंस कुछ बताते हैं, इनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो एक तो ये आता है वो आता है स्टेट फंडिंग का, कि भाई गवर्नमेंट को एक नेशनल इलेक्ट्रोल फंड है वो बनाना चाहिए, इसमें ये प्रावधान करना चाहिए कि भाई जिसको जितने वोट जिस वोट मतलब जिस भी इंसान जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जितने वोट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फंडिंग है वो देनी चाहिए, कि भाई जैसे कि इस इंसान को 500 वोट मिले तो उसके अकॉर्डिंग तेरी इतनी फंडिंग इतने फंडिंग है इस फंड में, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलने चाहिए, मतलब सारा जो पॉलिटिकल पार्टियां को जो फंडिंग है वो स्टेट फंडिंग के थ्रू होना चाहिए, तो इससे एक तो ये हो जाएगा कि ये भेदभाव नहीं होगा कि भाई इस पार्टी को पैसे ज्यादा मिले इसको कम मिले, क्योंकि जो जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे वो मिलेंगे स्टेट के इस फंड के तहत। इसके बाद में एक नया पॉइंट ये आता है कि इनके द्वारा ये पूछा जाता है कि भाई जो साइमल्टेनियसली जो इलेक्शन की बात की जाती है, मतलब कि एक साथ दो इलेक्शन की, इससे क्या क्या फायदा होगा, तो ये कहते हैं देखो साइमल्टेनियसली जो इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं तो उसके काफी कुछ फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि देखो मतलब इलेक्शन क्या होंगे, साइमल्टेनियसली इलेक्शन का मतलब हो जाएगा कि एक ही बार इलेक्शन होंगे, और अगर एक ही बार इलेक्शन आयोजित होंगे तो होगा ये कि एक तो बार बार खर्चा नहीं करना होगा, अदरवाइज इलेक्शन कराने में गवर्नमेंट को काफी सारा पैसा है वो खर्च करना पड़ता है, तो एक तो खर्चा बचेगा। इसके साथ ही क्या होता है, देखो इलेक्शन होते हैं तो आप सब लोग जानते हो कि ऑब्वियसली जो ब्लैक मनी है वो यूज की जाती है, तो मतलब इससे ज्यादा करप्शन वो और ज्यादा बढ़ता है कम होने की वजह, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, तो अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो करप्शन कम होगा, तो करप्शन पे भी लगाम है वो लगेगी। इसके बाद में बात आती है, देखो जब भी इलेक्शन होते हैं तो कम्युनलिज्म हुआ जातिवाद हुआ इन सब चीजों का सहारा वो लिया जाता है, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो यूपी इलेक्शन का ले सकते हो, इवन गुजरात इलेक्शन का ले सकते हो, कि देखो सभी पोलिटिकल पार्टी की, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी एक पोलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे राइटर के द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के अगर तीन सारी चीजों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं ताकि भाई उनको ज्यादा ज्यादा वोट है वो मिल सके, बट इस चीज का भी नुकसान हमें होता है। इसके बाद में बात आती है छत्तीसगढ़ की, कि देखो यहाँ पे एक राइटर के द्वारा एक पॉइंट दिया जाता है वो यहाँ पे सॉरी जो हाँ राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के नुकसान भी है, इनके द्वारा नुकसान ही बताए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखो क्या सीन हुआ था, छत्तीसगढ़ में जैसे कहावत बताई गई है कि भाई जब जब इलेक्शन आते हैं तो गरीब इंसान के पेट में है ना हलवा मतलब मालपो इस तरह की चीज़ें जाती रहती हैं, इसका मतलब ये है कि देखो जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो क्या होता है पॉलिटिशियन क्या जनता से कनेक्ट होते हैं, मतलब अगर हर 2-3 साल में इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या होगा पॉलिटिशियन वो जनता के साथ आके कनेक्ट होंगे, जनता के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लालच रहेगा कि यार हमें वो लोगों से वोट लेना है, तो इसलिए वो बार बार जनता के पास आएंगे, उन्हें एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली को नौकरी वगैरह कुछ ना कुछ इधर से जुगाड़ उगाड़ करेंगे, तो इससे फायदा होगा कि गरीबों को देखो नुकसान होगा और उनकी भी आजीविका वो चलती रहेगी। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि देखो गरीब लोगों के पास एक ही पावर होती है सबसे बड़ी, वो होती है वोट की, अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो वो अपनी पावर का यूज कर सकेंगे और जिससे क्या होगा वो पॉलिटिशियन पर कंट्रोल है वो रख सकेंगे। इसके साथ एक सबसे अच्छा पॉइंट ये बताया जाता है कि अगर
सेमेंटेनियसली इलेक्शन नहीं आयोजित होते हैं, मतलब इलेक्शन अगर बार बार आयोजित होते हैं तो उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको भी वैल्यू दी जाती है। अगरवाइज देखो, अगर एक साथ एक ही साथ इलेक्शन होंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा वाले, लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है उनके इलेक्शन, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं ना स्टेट के, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। उसके बाद क्या होगा, सेंटर के जो मुद्दे हैं, जो लोक मतलब सेंट्रल लेवल के, उन मुद्दों को भी वैल्यू दी जाती है। तो उससे क्या होगा, लोकल चीज़ों को वैल्यू कम मिलेगी, उससे वहाँ पे लोकल एरिया में डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। और एक लास्ट में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेट तैयार नहीं होने वाला, मतलब कोई भी स्टेट है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई वो अपनी 5 साल की कार्यकाल होने से पहले इलेक्शन कराए। तो मतलब बात ये कह जाती है कि देखो, बात कहने को बहुत अच्छी है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो होने चाहिए, बट व्यवहारिक रूप से ऐसा दिख नहीं रहा कि ये चीज हो पाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे राइटर के द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद में एक पॉइंट ये आता है, राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ये, और इसके साथ जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है इंडिया में, इन दोनों को लेके आना होगा, मतलब हाइब्रिड सिस्टम है वो लेके आना होगा। देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में तो आपको जैसे बेसिकली पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही वही एक्चुअली वहां पे रूलिंग है, वही वहां पे सत्ता बनाता है, चाहे उसको 5% वोट मिले हो चाहे 10%, जिसके पास जितने ज्यादा सबसे ज्यादा वोट है वही यहाँ पे इलेक्शन जीतता है। और प्रोपोर्शनल सिस्टम में ये होता है कि जैसे सीटें डिवाइड हो जाती हैं कि भाई 100 सीटें हैं और 100 वोट हैं, तो उसके कुछ डिवाइड हो गया कि भाई इस पार्टी को जैसे 20% वोट मिले, तो मतलब 20% सीटें इसको मिल जाएंगी, 40% सीटें हैं इस पार्टी को मिलेंगी, जितने परसेंट वोट आएंगे उसके अकॉर्डिंग सीटें डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो अपनी पोलिटिकल पार्टी अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतनी 20 सीट आई है तो मैं इसको सीट देने वाला हूँ इसके को, ऐसे सीन होता है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, इंडिया में दोनों सिस्टम को यूज करना होगा ताकि इंडिया को इस चीज से काफी अच्छा फायदा हो। यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया जाता है लोकसभा का कि देखो, अभी लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है क्योंकि लोकसभा देखो पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो जो अगर हमें अभी अगर हमें आगे सीट बढ़ानी है लोकसभा की, तो उस कंडीशन में हमें जो अभी तक जो जितनी सीटें हैं 545 वो तो हमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे ही रखनी चाहिए जितना चल रहा है। उसके बाद जो सीटें अभी आगे बढ़ने वाली है उनको प्रोपोर्शनल सिस्टम पे लाना चाहिए ताकि इंडिया का हाइब्रिड सिस्टम यूज हो, मतलब एक ही तरह का सिस्टम नहीं होगा ना, तो इससे काफी अच्छा फायदा होगा, जितने ज्यादा वोट होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सीटें मिलेंगी, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये इनके द्वारा कुछ पॉइंट देखें। लास्ट में एक अच्छा पॉइंट ये बता रहे हैं ये कि देखो, जो चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है कि या इलेक्शन कमीशन बाकी की भी, कि भाई उनकी अपॉइंटमेंट है ना, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में जैसे कि सीवीसी की बात ले सकते हो या सीआईसी की, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए तो काफी एक तरह से कोलिजियम की तरह प्रक्रिया है, बट देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे देश का नहीं, उन पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इलेक्टोरल बॉडी है। उस कंडीशन में उसकी जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया वो काफी अच्छी होनी चाहिए, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो काफी बेकार तरीके से होती है, तो वो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तक। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो उसमें काफी एक्चुअली पॉइंट है, वो थोड़े हो सकता है कि आपको अजीब लगे, बट उसमें पॉइंट ये डिस्कस किया गया है सबसे पहले कि भाई जो इंडिया का बंटवारा हुआ था उसके बारे में बात की गई है। जिसमें राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, जो बंटवारा हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसका आरोप कई बार कुछ लोगों को दिया जाता है कि जैसे नेहरू ने बंटवारा किया, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने बंटवारा किया, कुछ ने कहा कि अंबेडकर ने बंटवारा किया, कुछ ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बंटवारा कराया, कुछ ने कहा कि हिंदू कम्युनिटी ने बंटवारा कराया, कुछ कहते हैं कि मोहम्मद लोग जिन्ना ने बंटवारा करा। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, बंटवारा किसी एक इंसान ने नहीं करवाया, बंटवारे के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं और उस टाइम की सिचुएशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि माहौल अच्छा नहीं था। नेहरू ये चाहते थे कि एक देश मतलब एक यूनिटी वाला देश बना रहे और उसमें ऐसा नहीं हो कि धर्म के आधार पर लड़ाई हो, और उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो नेहरू ने सोचा कि यार डेली डेली की लड़ाई होगी, इससे अच्छा ऑप्शन ये कि एक बार बंटवारा हो जाए और उसके बाद एटलीस्ट शांति से तो रह सके। गांधी जी का अपना अलग सोच था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी एक लिमिट के बाद में जाके मतलब इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि हाँ भाई देश का बंटवारा हो जाना चाहिए। उसके बाद में हिंदू कम्युनिटी है, उसने भी इस चीज बंटवारे को लास्ट में जाके स्वीकार किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए तो वो तो स्टार्टिंग से इस चीज को लेकर झंडा फहरा रहे थे कि हाँ भाई एक तरीके से मतलब बंटवारा वो हो जाना चाहिए और पाकिस्तान कंट्री बदल जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट बता देते। लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, कुल मिला के बात ऐसी है कि बंटवारा कैसे भी हुआ बट फायदा किसी को भी नहीं हुआ। जो माइनॉरिटी मुस्लिम है वो इंडिया में रह गए और उनके इंटरेस्ट अभी भी पेंडिंग रह गए, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को लेकर बनाया गया था कि भाई पाकिस्तान में मुस्लिम लोग रहेंगे और उनको काफी फायदा होने वाला है। बट देखा क्या गया कि जो मुस्लिम बहुल एरिया थे वो तो पाकिस्तान में चले गए, बट जो माइनॉरिटी मुस्लिम वाले एरिया थे वो इंडिया में रह गए और उनके इंटरेस्ट तो आज भी सर्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।